किसी भी एग्जाम को क्रैक करना। एक स्टूडेंट का सबसे मेन टारगेट होता है वह जिस भी एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, आप उन एग्जाम्स को अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, उन एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन आप करना चाहते हैं। ऐसे में एक स्टूडेंट को किन बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि वह अपने एग्जाम में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को वह स्कोर कर पाए। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी ही बातों को जिन्हें अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान आपको फॉलो करना है। इन बातों को पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। सबसे पहली बात, लेस रिसोर्स मोर क्लियरिटी। दोस्तों, आज के इस समय में हमारे पास किताबें सोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, मटेरियल बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स यह गलती करते हैं कि वह एग्जाम के अंतिम दिनों में एग्जाम के टाइम टेबल आने के बाद तक वह अपने रिसोर्सेज को डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट को कितने दिनों में पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है। तो मैं आपको सिर्फ यहां पर तीन चीजें बताता हूं जिन्हें आपको रिसोर्सेज में फॉलो करना है। सपोज करिए कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ तीन चीजें पढ़नी है, वह है आपके प्रिपेयर किए हुए सेल्फ नोट्स, दूसरे आपके जो क्लासरूम में आपके ट्यूशन टीचर, आपके कोचिंग के टीचर, आपके स्कूल टीचर ने आपको बनवाए हैं, उसे आपको पढ़ना है रैपिड रिवीजन के लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, कम से कम 3 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना है जिससे कि आप पेपर पैटर्न को समझ पाए, आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी 60%, 70%, 80%, 90% कहां तक पहुंची है। इन सब को टेस्ट करने का तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरा, नो द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ योर एग्जाम। आपके एग्जाम में हर साल, चाहे वह नीट का एग्जाम हो, चाहे वह जेई का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, हर साल अपने पैटर्न में कुछ चेंजेस करता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के आता है, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को वह चेक करता है। इसके लिए आपको, अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको न्यू सैंपल पेपर्स, हर सब्जेक्ट के 3 से 5 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने होंगे, जो कि आपके बोर्ड के द्वारा जो सैंपल पेपर दिया जाता है, आपकी किसी भी कंडक्टिंग एजेंसी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कंडक्ट करती है वह किस तरीके का पेपर सेट करेगी, या आपको बताने का काम करते हैं लेटेस्ट सैंपल पेपर। तो कम से कम आपको 3 से 5 सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना है, उनको एनालाइज करना है, कहां पर आप गलतियां कर रहे हैं, ये सारी चीज चेक करते हुए आपको अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वह है डेली रिवीजन। दोस्तों, हम नए टॉपिक्स को पढ़ते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं ताकि हम अपने एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो सबसे मस्त चीज है वह है पावर ऑफ रिटेंशन। यानी हम कम पढ़ें, लेकिन जितना हम पढ़ें वह हमारे दिमाग में हमेशा हो, कभी भी हम उस एग्जाम के टेस्ट के लिए तैयार हो, इसके लिए आपको करना होगा रिवीजन, और रिवीजन का टाइम आपको फिक्स करना होगा। आप अपने पूरे दिन के रूटीन में रिवीजन के टाइम को अगर आपने फिक्स कर लिया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। कई बार हम सिलेबस को कवर करने में, नए टॉपिक्स को ज्यादा ज्यादा पढ़ने में यह भूल जाते हैं कि हमें पुराने टॉपिक्स को रिवीजन करना है जिससे कि हम उनमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप नए टॉपिक्स को जब पढ़ें तो नए टॉपिक्स के साथ साथ पुराने को भी आपको रिवाइज करते हुए कंप्लीट रखना है, जिससे कि अगर आपका टेस्ट कभी भी आपसे उन टॉपिक्स का लिया जाए तो आपकी परफॉर्मेंस 100% हो और आपको नए सिलेबस के साथ पुराने सिलेबस की चिंता करने की जरूरत कभी भी ना हो। अगली बात आपको ध्यान रखनी है वह यह है, डोंट मेक मल्टीपल स्ट्रेटजीज। दोस्तों, जब आप किसी युद्ध बैटल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमें समय के साथ अपनी स्ट्रेटजी को अपने अनुसार रखना होता है। आपकी अपना जो कॉन्फिडेंस होता है, आपका अपना जो दिमाग होता है, वही आपके लिए काम आता है। तो आपको किसी की बातों को सुन करके तरह तरह की स्टडी मत फॉलो करिए, आपको जिसकी स्टडी सही लगे एक स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, उसी को आपको फुल पैटर्न में आपको फॉलो करना है। निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में सफलता मिलेगी। मल्टीपल स्ट्रेटजी मत बनाइएगा, आपको एक ही स्ट्रेटजी के साथ चलना है, उस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। जितनी चीजें आपको बताई जाती हैं आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा, आपके मेंटोर के द्वारा, जिसको आप मानते हैं कि यह आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है विद सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में सफलता मिलेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो
आपके एग्जाम में आपको बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। और अब यह समय है जब आपको अपने रिजल्ट से खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने माता पिता अपने गुरुजनों का सम्मान बढ़ाना है। मिलेंगे अगले अपने वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। जय हिंद, वंदे मातरम।